हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राजट्रिक चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फोटोशॉप ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, फोटोशॉप इफेक्ट? क्या आप भी ऐसे टेक्स्ट इफेक्ट सीखना चाहते हैं? तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं, बताते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट कैसे होता है और आप गजब का ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है। दोस्तों, गजब का चौंकाने वाला टेक्स्ट का इफेक्ट है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप 7 में वो टेक्स्ट इफेक्ट। तो हम फोटोशॉप 7 ओपन करते हैं। पहले की तरह ही डबल क्लिक से ही ओपन होता है। डबल क्लिक करेंगे, फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इसमें पहले हमको ये जानना होगा कि ये टी से यहाँ से टेक्स्ट होता है। इसमें से दोस्तों, इसमें आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बारी बारी से हम सब आपको बताएंगे सब भी विषय में। पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में बताते हैं इसमें टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको एक पेज लेना होगा, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों इसकी साइज लिखी होती है 8x10, जो भी आप साइज लें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ वाइड लिखा हुआ है, यहाँ हाइट लिखा हुआ है, यहाँ मोड लिखा हुआ है। दोस्तों, इसको RGB ही रहने दें। चलिए हम कोई एक साइज ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। दोस्तों, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कन्वर्स पे जा करके, तो थोड़ा लंबाई अच्छी रहेगी तो अच्छा लगेगा देखने में। दोस्तों, उसके बाद हम टी पे प्रेस करते हैं, राइट रन ऊपर, सबसे पहला वाला हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेते हैं और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। दोस्तों, चलिए हम टेक्स्ट इफेक्ट ही लिखते हैं। दोस्तों, जब आप टी प्रेस रहेगा, आप लिखते रहेंगे, तब यहाँ से आप इसको इधर उधर नहीं करते, बस सिलेक्ट ही कर सकते हैं। आपको लिखते समय इधर उधर करना है तो माउस को इधर उधर करेंगे, एरिया से बाहर आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें कलर चेंज करना हो तो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना हो। कोई कलर ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी कलर आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। या फिर यहाँ कलर चेंज करने के बाद आप Alt प्लस डिलीट प्रेस करेंगे, चेंज हो जाएगा कलर, और कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो भी चेंज होगा। लेकिन कंट्रोल प्लस डिलीट से बैकग्राउंड वाला कलर चेंज होता है, जो यहाँ नीचे रहता है, नीचे वाला कलर चेंज होता है, और Alt प्लस डिलीट प्रेस करने पर ये ऊपर वाला कलर आता है। दोस्तों देखिए, ऊपर रेड है तो हम Alt प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
और दोस्तों कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो नीचे वाला, और आल्ट प्लस डिलीट करेंगे ऊपर वाला कलर आ जाएगा। यहाँ से भी कलर चेंज होता है। तो दोस्तों यदि हमको इसको इधर उधर करना है तो जब टेक्स्ट वाला टूल सिलेक्ट है तो हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, बस सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर उधर करने के लिए माउस को थोड़ा एरिया से बाहर रखेंगे, इधर उधर हो सकता है, या फिर हम मूव टूल पे क्लिक करके, तब इधर उधर नहीं होगा, तब हमको टेक्स्ट पकड़ करके ही इधर उधर करना होगा। इसमें दोस्तों आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप फॉन्ट में जाएंगे, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। देखिए दोस्तों कोई भी फॉन्ट हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉन्ट अपलोड रहता है, कुछ अपलोड करना पड़ता है। ये हिंदी है, हिंदी इसको मत करिएगा नहीं तो ऐसे हो जाएगा कुर्ती देव। और ये जो एरियल होता है ये इंग्लिश होता है टेक्स्ट पैक। तो दोस्तों हम इसमें सीखते हैं दोस्तों इस फॉन्ट को, इसकी साइज़ भी आपको चेंज यहाँ से हो सकती है। ये बोल्ड है, इसको करें यहाँ करेंगे आप बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन होता है, यहाँ साइज का ऑप्शन होता है, बोल्ड है, रेगुलर है, आप जो भी करना चाहेंगे हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से साइज है फॉन्ट की, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन पे करेंगे स्ट्रॉन्ग, स्मूथ है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है टूल ड्रॉप्ड टेक्स्ट, इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ नॉन पे है, इस पर आप कई सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भर पर भी क्लिक करके इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए टेक्स्ट में बदलाव आ गया, आप इसको जितना भी परसेंटेज बढ़ाएंगे, वाह क्या इफ़ेक्ट आ रहा है दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ से देखिए, वाह क्या टेक्स्ट हो गया दोस्तों, वाह देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरफ से ऐसे कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट इफेक्ट गजब का है। इस पर देखिए वर्टिकल डिस्टॉर्शन पर आप कितना टेक्स्ट में इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फ्लैग है, कई ऑप्शन हैं दोस्तों, ये देखिए फ्लैग बन जा रहा है। आप कहीं भी किसी भी इमेज पर या फिर कहीं भी कोई टेक्स्ट इफेक्ट डालना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट आसानी से डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या इफेक्ट है, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं, आप किसी पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ से आप मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, आप यहाँ से बारी बारी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सब पे बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। दोस्तों इसमें आप जिस पर भी करेंगे इसको कम ज़्यादा करने के लिए, आप इसको इधर उधर करेंगे स्लोली, आप ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये वाला इधर उधर हम खिसकाएंगे तो टेक्स्ट में इफेक्ट आएगा। आप यहाँ से किसी को भी ट्राई कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आप इसको जो भी सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से करने के बाद आप ओके कर दीजिए।
दोस्तों इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आप इसको मूव टूल पे क्लिक करके आप इस इफेक्ट टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों ये तो जानते ही हैं आप, इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर लेंगे, जो नीचे रहेगा कंट्रोल पर डिलीट से चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाला करना है ये जो ऊपर है कलर, इसको ब्लू कलर करने के लिए ऑल प्लस डिलीट। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों इसको हम कंट्रोल प्लस ऑल कंट्रोल प्लस डिलीट से अंडू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं एक नया इफेक्ट बताते हैं। दोस्तों इसमें हमको लेयर ओपन करके रखना है, आप यहाँ से विंडो पे जा करके लेयर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके रखिए यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और ज़्यादा ही इफेक्ट बताते हैं। आप यहाँ से लेयर पे जाइए, लेयर पे लेयर स्टाइल में हमको टेक्स्ट पर यहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा तभी दोस्तों होगा। लेयर पे जाएंगे, लेयर स्टाइल में, इसके बाद हम ग्रेडियंट ओवरलीफ पे देखते हैं। वैसे यहाँ बहुत से इफेक्ट हैं दोस्तों, लेकिन हम ग्रेडियंट ओवरलीफ पे ही देखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर जाके दोस्तों अनेकों तरह के इफेक्ट हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैच नहीं करता है तो आप अंडू कंट्रोल अल्ट कंट्रोल पर जेड से अंडू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए ये परसेंटेज है, ऑपेसिटी है इसकी कि कितना ऑपेसिटी हो चाहिए। आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ नॉर्मल में है, ऑपेसिटी है, ग्रेडियंट है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से जाके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टाइल, ये स्टाइल है, यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए स्टाइल कैसा है, वाह क्या टेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए। आप यहाँ से करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वहाँ पे पेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ हवा में है, हवाई बाहर है, ऐसा लगता है दोस्तों, लग रहा है दोस्तों। वाह क्या इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि टच है ही नहीं, ग्राउंड में टच नहीं है। तो दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे ड्रॉप शैडो, यहां पे बहुत से ऑप्शन हैं, ड्रॉप शैडो हो, इनर शैडो है, आउटर ग्लो है। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, इस पर भी क्लिक करके ये ड्रॉप शैडो हटाए, देखिए ऐसे हो गया। इनर शैडो, आउटर ग्लो, बहुत है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्ट्रोक है, देखिए दोस्तों आप बारी बारी से सभी को ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। और इसके ऑप्शन को आप यहाँ से शैडो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका ये जो शैडो है इधर उधर कम ज़्यादा हो रहा है। नॉइज है, शैडो को कितनी नॉइज देना चाहते हैं आप। क्या इफेक्ट है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए आपका। तो दोस्तों
ये ध्यान रहे दोस्तों कि आपका ये लेयर खुला रहना चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली कोई काम नहीं होगा। ये लेयर खुला रहेगा और लेयर पे सिलेक्ट रहेगा तभी दोस्तों ये पूरे वर्क होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं दोस्तों अभी ये जो टी है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के विषय में हम बात किए थे, कल हम वीडियो में बात करेंगे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये जो मास्क टूल है इसमें कैसा इफेक्ट आता है, इससे क्या क्या इफेक्ट लाया जाता है दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, एक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।